6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक रोज शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सब भी हमारे साथ जुड़े। जय श्री राम। मिलते हैं अयोध्या जी की रामलीला में अयोध्या जी से। भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो देखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं। सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रस ली, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हहु किए मन मी। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, ये जेही जुग निज बस निज भूते। प्रौढ़ सुजन जनि जा नहीं जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अठत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी।
जिमी मोल रतन ते निर्गुण ते एही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार कहूं नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार राम भगत हित नर तनु धारी सही संकट किए साधु सुखारी नाम सप्रेम जपत अनयासा भगत हो ही मुद मंगल वासा राम एक तापस तिय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी ऋषि हित राम सुकेतु सुताकी सहित सेन सुत कीनी विबाकी सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमी रबिनि सिनासा भंजे उराम आपु भव चाकू भव भय भंजन नाम प्रतापू दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन निसिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गा राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सब को नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद बर बिरिद विराजे राम भालु कपि कट कुबटोरा सेतु हेतु श्रम कीन थोरा नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचारु सुजन मन माही राम सकुल रन रावनु सिय सहित निज पुर पगुधारा राजा राम अवधर जधानी गावत गुण सुर मुनि बरबानी सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने ब्रह्म र
नाम बड़े बरदायक बरदानी रामचरित सत कोटि महा लिय महेश जिय जानी। सचिव सुमति कपिभानु है सब ही।
पाकर उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। Thank you.
पास ही तही अहुल सी सी शिव प्रिय में कल सन सुता सी सकल सीधि सुख संपत्ति रासी सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी रघुबर भगति प्रेम परमिति सी
संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों के भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय असौर आनी, सुनिय कथा सागर रति मानी।
ही सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुर पद पंकज धूरी, उनी सब ही विनव कर जोरी, करत कथा जही लागन खोरी। सादर सिवही नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुन गाथा, संबत सोरह से एकतीसा, करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित पकासा, जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहां चली आवही। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचही सुजाना, करही राम कल कीर्ति गाना। मंचहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजूनीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। दरस परस मजन रूपाना, हरि पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत मित महिमाति, कहि न सकै सारदा विमल राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित पावनी, चारि खानि जग जीव पारा, अवधत जे तनु नहीं संसारा, सब विधि पूरी मनो हर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर की न अरम्भा, सुनत न साहि काम मददम्भा। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एही सर परई। रामचरित मानस मुनि भा,
शंभु सुहावन पावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचाली कुलि कलुषन सावन रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमउ सिवासन भाखा ताते राम चरित मानस बर धरेउ नाम ही अहेरि हर शिहर कहउ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु अब सोई कहउ प्रसंग सब सुमिरि उमा पृष्ठ के प्रसाद सुमति यहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी मति भूमि फल हृदय गाधु वेद पुराण उद्धि धन साधु बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई स्वच्छता करई मलवानी प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई सो जल सुकृत साली हित होई राम भगत जन जीवन सोई मेधा मही गत सो जल पावन सकिल श्रवण मग चले सुहावन रे सुमानस सुथल थिराना सुखद सीत रुचि चारुचिराना सुठि सुंदर संबाद बर बिरचे बुधि विचारी ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तीन
अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो करि कष्ट जाए कुनि कोई जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा गयहुन मजन पाव अभागा। करिन जाई सर मजन पाना फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा सर निंदा करी काही बुझावा। जहिन काओ जिन्हके राम चरण भल भाओ। जो नहाई चह यही सर भाई सो सत्संग करो मन लाई। हस मानस मानस चख चाही भाई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयव हृदय आनंद उछाहू उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहू। चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिदासो। सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल फूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल त्रिन करु मूल भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरी ही सुनत सुन
जन मन पावन करी बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सरी तीर तीर बन भागा विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर वारी विहंग दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर गांव गांव शहर शहर लेकिन जब इतना किया है सब्र तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर ना छोड़ें दो गज दूरी सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है मास्क अप इंडिया मास्क अप इंडिया भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला मैं आपका दोस्त राहुल गुज्जर श्री राम के किरदार में आपको अयोध्या की रामलीला में नजर आने वाला हूँ अयोध्या जो कि श्री राम का जन्म स्थान है इसलिए वहाँ की रामलीला का अपना एक अनूठा ही आनंद है मैं आ रही हूँ भगवान श्री राम की पावन धरती पर अयोध्या की रामलीला में सीता का किरदार निभाएंगे कई नए चेहरों को लाएंगे आपको सरप्राइज देंगे 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक रोज शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सब भी हमारे साथ जुड़े जय श्री राम मिलते हैं अयोध्या जी की रामलीला में अयोध्या जी से अच्छा है आप आ गई हैं आप इन्हें बता दीजिए कि आप मजाक कर रही हैं और अगर मैं ऐसा ना करूं तो काली माता की सौगंध भाभी जी आपको आपका यह मजाक बहुत महंगा पड़ेगा मेरी बेटी